very stylish performance, I would say. Rock and roll thai gi. दिलाल, आज पहली बार देखा है किसी गधे को बैलगाड़ी पे बैठे। अरे पहली बार नहीं गुड्डू, दूसरी बार। पिछले हफ्ते भी तो आया था ये। अच्छा, खौराम आ गया है। खौराम आ गया और नलका चला गया है। मौसी, नलके का नागपुर तो यही है, पानी का पटियाला चला गया है। एक ही बात है हा? सवेरे सवेरे खौराम लापतागंज में कहाँ आया है? ये भूल गए मौसी, आज इसका हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन का जबलपुर। अरे अरे नेताजी, आप तो कसम से पहले से भी ज्यादा गिर गए। ओह नेताजी, आप तो आजकल की राजनीति के चरित्र जैसे ही गिर गए। अरे चलिए उठिए उठिए, कम से कम आप तो उठ जाइए। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन एक बहुत ही महान, सच्चा, ईमानदार और जनता की सेवा करने वाला नेता पैदा हुआ था। नेताजी किसकी बात कर रहे हैं आप? यानी कि हम। ओहो, अरे हम तो भूले ही गए थे कि आप तो एक सच्चे, ईमानदार, जनता की सेवा करने वाले नेता हैं, जो सिर्फ चुनाव के दौरान ही नजर आते हैं। हाँ, 5 साल में एक बार। अरे भाई, आज नेताजी का जन्मदिन है, कम से कम आज तो इन्हें जलीकट्टी मत सुनाइए। अरे ललन जी, नेताजी को जन्मदिन की बधाई नहीं दोगे क्या? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अल्टू भाई, हमारे बीजी भैया कहते हैं कि ललन जी सिर्फ देखने में छोटे हैं, वैसे हैं बहुत बड़े वाले। अरे अल्टू भाई, जल्दी से कह दो, वरना जीजा जी की वाइफ के जीजा जी ऐसे ही खड़े रहेंगे। अरे मौसा, हम कह रहे हैं ना, चलो दे दीजिए बधाई। ठीक है, तुम कहते हो तो बधाई दे देते हैं। देखो भाई नेताजी, ऐसा है कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। और ये बधाई कौन ऐसा वैसा आदमी नहीं दे रहा है, हम दे रहे हैं। हम कौन? ललन जी। कहाँ काम करते हैं? पीडब्ल्यूडी में। हाँ, नहीं तो लापतागंज वालों, ये देखिए हम आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं। अनिता जी, पिछले हफ्ते उलाए थे। हाँ, वो क्या कहते हैं उसे, ओहो, जो क्या होता है वो मुसीबत का मुराद नगर मौसी। नहीं नहीं, हाँ मुसीबत नहीं, वो लेके आए थे जो बोरियम में होता है, वो क्या कहते हैं उसे, अब वो कूड़े का कर्नाटक। कूड़ा नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, वो। अरे मौसी, कोयल करती हैंगी कू 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 और तुम कर रही हैंगी वू वू वू। मौसी, वो लेके आए थे ना नेताजी अनाज, और तुम हो की। हाँ, अनाज। हाँ, अनाज लेके आए थे पिछले हफ्ते। हाँ, तो आज कल आए हैं और का है? हम बताते हैं, सब बताते हैं। पहले हमारा जन्मदिन तो मना लीजिए। हाँ हाँ, पापा जन्मदिन घर पर मना लेना, पैसा लो और चलो घर।
चुन्नू की अम्मा, चिंता मत कर, फिकर लगा कर रख। ये लो चाबी। मामा नजर नहीं आ रहे। हाँ आ छोटू किधर है छोटू? मामा किसी बहुत ही जरूरी काम से गए हैं। हाँ छोटू और जरूरी काम? अरे मौसी सिर्फ जरूरी काम नहीं, बहुत ही जरूरी काम से गए हैंगे मामा। उस सत्य की खोज में गए हैं। हाँ सत्य की खोज? हाँ चिंता नहीं करो, स्कूल की चाबी मामा हमको देकर गए हैं। आ देखा हाँ समझदार है हाँ। ई लीजिए चाबी और बांट दीजिए जनता में उपहार। देखिए आज सवेरे ही हमें पता चला कि पिछले हफ्ते जो हम अनाज लाए थे वो घटिया क्वालिटी का था। अरे नेताजी आप खुद कौन सी बढ़िया क्वालिटी के हैंगे? इसीलिए जैसे ही हमें पता चला कि अनाज घटिया क्वालिटी का है हमने इन सब को बहुत डांटा और हमने कहा कि लापतागंज वाले सिर्फ हमारी जनता ही नहीं हमारे परिवार का एक हिस्सा है, इसलिए हम उन्हें घटिया क्वालिटी का अनाज कैसे दे सकते हैं? इसलिए आज हम सबके लिए आप सबके लिए A1 क्वालिटी का अनाज लेके आए हैं। ये ले जाओ, स्कूल से वो घटिया अनाज बाहर लेके आओ और ये बढ़िया वाला अनाज जनता में बंटवाओ। हाँ जाओ। चलो भाई। वाला अनाज अंदर रखो और बढ़िया वाला अनाज उतारो और वो सब में बांटो। ठीक है ना चुन्नू की अम्मा? हो गया नेताजी। शाबाश, अब ये बढ़िया वाला अनाज जनता में बंटवाओ और इसे बांटने के बाद वो जो घटिया वाला अनाज है उसे बैलगाड़ी में रखवा दो। हाँ हाँ भाई, आप सब लोग ना एक लाइन लगा लो। आ चलो, आ देखो मिर्चा आगे चली गई। हाँ अरे लल्लू जी कहाँ? हम कहाँ आ गए? अरे 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 एक मिनट, तनिक पीछे हटिए थोड़ा। हाँ पीछे हटिए, मुकुंदी कह रहा पीछे हटाओ। हाँ नेताजी, अब जरा हमें घटिया क्वालिटी वाले अनाज की शक्ल तो दिखाइए। का मतलब? अरे हम भी तो देखे कि घटिया क्वालिटी वाला अनाज कैसा होता है, जरा दिखाइए ना। कैसी बातें कर रहे हैं मुकंदी बाबू, घटिया अनाज भी कोई देखने की चीज होती है? का है ना नेताजी, आपके राज में आम जनता को सब कुछ घटिया ही तो मिलता रहा है। अब घटिया चीजों की सुसरी आदत पड़ गई है, बढ़िया अनाज हजम ही नहीं होता। अब जरा खुलवाइए ना घटिया अनाज की बोरी। पापा हम खोलें? वो कहा है कि अब हम बड़े हो गए हैं। तुम चुप रहो, हम कार कह रहे हैं नेताजी, जरा बोरी खुलवाइए ना। अरे मुकुंदी बाबू आप तो बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। आप चुप रहिए, अच्छे अनाज की 3-4 बोरियां हम आपके घर भिजवा देंगे। ठीक है ना? नहीं,
ना आप कल ठीक थे और ना आज ठीक है। गुड्डू। हाँ भैया। जरा बोरियां खोलो। आओ। अच्छा। चुको जरा छाता संभाल। क्या हो गया? अरे सुनो, गुड्डू पलट दो सारा अनाज जमीन पे, पलट दो। में काफी घटिया क्वालिटी का है ये अनाज। गुड्डू दूसरी बोरी भी खोलो बेटा। नोटों की गड्डिया। हाँ नेता जी, कहाँ है? हाय राम, विपक्ष की चाल है, विरोधी पक्ष का षड्यंत्र है ये, हमारे खाऊ राम जी को बदनाम करने के लिए। ए मिसेज खाऊ राम, सीधे से बता दो कि ये सब नाटक का है। देखिए बहन जी, हमें कुछ नहीं मालूम कि ये पैसे कहाँ से आए। अल्टू, पैसे लेके जा। आज हम इस बात को लेकर के विधानसभा में हंगामा कर देंगे, हंगामा। आय रामा, फुल ऑफ ड्रामा। सुनो। हाँ सुनाओ। अरे तुम कुछ ना ही बोलोगे? अब हम कह रहे बोलो। हाँ हाँ बोलते हैं। ओ प्रिय भ्रष्टाचारी नेताजी, ऐसा है कि हंगामा तो अब हम करेंगे। लल्लन जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हाउराम जी, आपने सीआईबी से बचने के चक्कर में अपना सारा काला धन हमरे लापतागंज में ला के रख दिया। तुमको काला का किसी को पता नहीं चलेगा। मत भूलो कि झूठ चाहे 100 पर्दों के पीछे क्यों ना हो, सामने आ ही जाता है। अब बोलो ना, सच कहा है सबके सामने? मुकुंदी बाबू, हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम ये पैसा कहां से आया। हम अपनी अम्मा की कसम खाकर कहते हैं कि हमें नहीं मालूम ये पैसा कहां से आ गया। हाय राम, चुन्नू के पापा, हमरे सारे पैसे खराब हो गए। चुन्नू के पापा, हम लूट गए। हाथ में पैसे है, कह रही है लूट गए। कहा? ये हमारे पैसों को क्या हुआ? चूहे कुतर गए। जमीन के कागज में टूट गए। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं। नेताजी ऐसा है, अभी तो आप कह रहे थे कि ये नोट सब आपके नहीं है, है? ये वो पैसे हमारे। हम देखो, मारना मत, हम अपनी नरकवासी
उस्ताद की कसम खा कर कहते हैं कि ये पैसे हमारे हैं। अरे चुन्नू के पापा है नहीं थे, थे। चूहे खा गए, चूहों के पैसे आप खा गए और आपके पैसे चूहे खा गए। नेताइन जी, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। काला धन ना कभी किसी के काम आया है और ना ही कभी किसी के काम आएगा। अरे चुन्नू के पापा, हम कह भी रहे थे कि जाओ लापतागंज और ले आओ हमरा पैसा, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं हो ना। तुमको तो बस एक ही बात आती है, बस कहते हो कि चुन्नू की माँ चिंता मत कर फिकर लगा के रख। अब लग गई ना फिकर? चिंता मत कर चुन्नू की अम्मा, कुर्सी सलामत रहे पैसे तो फिर भी कमा लेंगे। कुर्सी सलामत रहेगी तब ना, अभी तो इस कांड के लिए आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी, जेल की। कुंदीलाल, हम भी सलामत रहेंगे और हमारी कुर्सी भी सलामत रहेगी। हम मानते हैं कि ये काला धन हमारा है, मगर तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमें फंसाने के लिए तुम्हें सबूत चाहिए और सबूत है नहीं तुम्हारे पास। सबूत तो मोहल्ले की औरतों के पास नहीं होता था पिताजी के खिलाफ, लेकिन हमारे पास सबूत है तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ। हमारे पास सबूत है तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ। ये देखो, हम भी सलामत रहेंगे और हमारी कुर्सी भी सलामत रहेगी। हम मानते हैं कि ये काला धन हमारा है, मगर तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमें फंसाने के लिए तुम्हें सबूत चाहिए और सबूत है नहीं तुम्हारे पास। जय बार। नमस्कार। एक खास खबर, लापतागंज के विधायक खाऊराम को रिश्वत लेने और काला धन जमा करने के जुर्म में आज सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया है। लापतागंज के लोगों ने बहुत ही बुद्धिमानी और चालाकी से इस रिश्वतखोर नेता का पर्दाफाश किया है, और इस घटना के बाद मुख्यमंत्री जी ने लापतागंज निवासी मुकंदी लाल को फोन करके इस सराहनीय कार्य के लिए बधाई भी दी है। अरे एक मिनट, आगे सुनो। सिर्फ यही नहीं, मुकंदी लाल गुप्ता द्वारा दी गई एक RTI एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए सरकार ने लापतागंज के बाहर की जमीन पर फैक्ट्री बनने से रोक लगा दी है। अरे आगे सुनो। और वहाँ बहुत जल्द एक अस्पताल बनाने का आश्वासन भी दिया है। अरे एक मिनट, आगे सुनो। और अब मौसम की जानकारी। अरे अरे, ये सब बेकार होती है। तुम्हें कैसे पता? भाई देखिए, ऐसा है, नेता होना चाहिए आपको। अरे नहीं, देश का नेता कैसा हो? देश का नेता कैसा हो? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरा घर भरता रहे जनता भाड़ में जाए। ये दोहा आजकल के कुछ नेताओं का मूल मंत्र बन चुका है, पर मेरे प्रिय नेताओं, अभी भी वक्त है। जनता के लिए अपना फर्ज समझो और खुद को बदलो, क्योंकि एक दिन आएगा जब आपको इनका जवाब देना होगा। It was a
a very stylish performance, I would say. Rock and roll, thank you.